हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड में चेंज, तो इस बात में पूरे वीडियो को जरूर देखें क्या चेंज हो गया है सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में, तो ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसमें वीडियो में, तो आप अंत तक जरूर देखें। चार बड़े बदलाव हुए हैं, वो आपको मैं चारों बड़े बदलाव आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सीबीएसई बोर्ड 12th इंग्लिश का पेपर बदला, यहाँ देखें सभी बदलाव, तो बदलाव देखने हैं आपको। तो इसमें क्या है, सवालों की संख्या का वर्गीकरण बदल दिया गया है, तो यह पूरे आपको देखना है। ये देखो, नई दिल्ली सीबीएसई ने 12वीं के इंग्लिश पेपर के पैटर्न में बदलाव किए। बोर्ड ने इंग्लिश कोर के पेपर में सवालों की संख्या घटाई और सवालों के अंकों का वर्गीकरण बदला। बोर्ड अधिकारी ने बताया कि रीडिंग सेक्शन बदला है गया है। विशेषज्ञ और सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति की बैठक में काफ़ी विचार के बाद 2018-19 के नया पैटर्न लागू करने के लिए चार बड़ा बदलाव हैं। तो चार बड़े बदलाव ये क्या क्या है, पहला है, अब तक पेपर में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते थे, 2019 से इसे केवल 35 सवाल ही पूछे जाएंगे, 35 सवाल ही पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता रखने हैं। दूसरा बदलाव क्या है, दूसरा बदलाव है सेक्शन ए रीडिंग में पैसेज की संख्या घटा दी गई है। अब पैसेज पेपर में होंगे, दो पैसेज पेपर में होंगे, एक पैसेज की शब्द संख्या 800 से 900 होगी। अब तक तीन पैसेज होते थे, दो पैसेज 1100 से 1200 के और एक पैसेज 400 से 500 शब्दों का होता था। सीबीएसई ने के डायरेक्टर एकेडमिक जोसेफ इमैनुएल ने बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। किसने जी किया है ये नोटिफिकेशन जारी, जोसेफ इमैनुएल ने, जो डायरेक्टर है इसके, उसने किया है बदलाव। और तीसरा बड़ा सवाल क्या है, अब सवालों का वर्गीकरण भी अलग होगा, अब दो पैसेज में बांटा होगा। पैसेज एक में तीन तरह के सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के पांच पहलों की सवाल होंगे, जो पहले छः होते थे, अब क्या पे पांच तीन ही तीन सवाल, तीन तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के नौ सवाल पूछे जाएंगे, छोटे जवाब वाले होंगे, इनमें से तीन शब्दावली पर आधारित तो होंगे। पिछले सेक्शन तक 16 ऐसे सवाल आते थे जिनमें से एक शब्दावली शब्दावली पर आधारित होता था। 2018-19 से दो दो नंबर के तीन छोटे सवाल जवाब वाले सवाल होंगे, इनकी संख्या वर्तमान में एक है। अब भी तीन सवालों वाले पैसेज दो में पांच पांच अंकों के दो लंबे जवाब वाले सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता रखना है, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना आप। चौथा बड़ा सवाल क्या उठाया गया है इसमें, चौथा बदलाव क्या है, इसके अलावा सेक्शन ए में से 30 नंबर के अब 19 सवाल पूछे जाएंगे, अब तक 30 नंबर के 20 सवाल पूछे जाते थे, अब 19 ही पूछे जाएंगे। तो ये बदलाव हैं, तो ये पेपर भी देख लो ऐसा आएगा आपके पैसेज वगैरह ये, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, ये लो मार लो जल्दी ये, तो आप इसको ऐसे कर सकते, बहुत बड़ा बदलाव है आपके लिए, मैं पूरी जानकारी लेके आ जाता रहा हूँ। और टेंथ वालों के लिए मैं मैथमेटिक्स चला रखी है मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, तो उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।